हरक सिंह रावत साहब, ये बताइए कि अभी उत्तराखंड में जो बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे थे, अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, उनको लेकर भी कई तरह की बयानबाजी हो रही है दोनों तरफ से, क्या कहना आप? मैं सोचता हूँ कि ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है जी, और मैंने उत्तराखंड के राज्य के आंदोलन को बहुत नज़दीक से देखा है जी, क्योंकि इस उत्तराखंड राज्य आंदोलन की शुरुआत पौड़ी से हुई थी। आज जब हमारा उत्तराखंड का नौजवान अपनी जायज बात को लेकर अगर वो गलत बात कहते हैं कि हमें जबरदस्ती नौकरी दे दो, बिना एग्जाम दिए नौकरी पे लगाओ, तो समझ में आता है। अरे वो ऐसी बात कर रहे हैं कि भाई निष्पक्षता से आप कराओ, जो नियुक्तियां हो रही उसका पेपर लीक हो रहा है या पेपर भी करा है, ऐसा क्या हो गया? अगर वो बच्चे इसको लेकर सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, अगर वो बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई पहले निष्पक्षता के साथ जांच हो जाए तब आप पेपर कराओ जी, और आप उन पर लाठियां बाजने का काम कर रहे हो, उससे अपने को बचने के लिए बाद में लड़कों ने हो सकता है पथराव किया हो, 307 धारे लगा रहे हो। आप उन बच्चों को जिनको कल जिनका बेहतर भविष्य बनाना चाहिए था, जिनके बेहतर भविष्य के लिए उत्तराखंड बना है, उनको आप जेल में डाल के अपराधी बना रहे हो। जो जोशीमठ में जो कुछ हुआ, जिस तरह से आपदा आई और आपदा के बाद सरकार ने भी वहां काम किया और वहां जो स्थितियां बनी हुई है, चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये उत्तराखंड जोशीमठ हो, उत्तराखंड क्योंकि जोन 5 में है जी, आपदा कब आ जाए, किस रूप में आ जाए, कहां आ जाए, बिल्कुल कोई नहीं कह सकता। बिल्कुल दुर्भाग्य से क्या हो गया, चाहे हम सड़कें बना रहे हैं, चाहे हम डैम बना रहे हैं, जो हम विकास कर रहे हैं वो विनाश कर रहे हैं, नियोजित तरीके से नहीं कर रहे हैं, प्लानिंग से नहीं कर रहे हैं। भाई आज इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हमें सुरंग भी बनानी है तो नई टेक्नोलॉजी से बना सकते हैं, ब्लास्टिंग करने की क्या जरूरत पड़ गई जी। तो आपका कहना है कि विकास का भी एक तरीका हो। अच्छा ये बताइए कि मोदी मैजिक, क्या लगता है आपको, इस मोदी मैजिक को क्या कांग्रेस मात दे पाएगी उत्तराखंड के लिहाज से भी अगर बात करें? देखिए मोदी जी, जब मैं कांग्रेस सरकार में मंत्री था, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब अमेरिका गए थे, कहा कि मैं चाय बेचने वाला गरीब हूँ, गरीबों के लिए काम करना चाहता हूँ, लेकिन गरीबों के लिए बड़े काम करना चाहता हूँ। सौभाग्य से मैं अचानक घर पहुँचा, मैंने टेलीविज़न खोला और उनका भाषण आ रहा था। कांग्रेस में रहते हुए भी मैं उनके इस का मुरीद हुआ था, लेकिन मैं एक बात आप सच कहूँ जी, दिल से कह रहा हूँ, मैं भाजपा में होता जी भले ही तब नहीं बोल पाता जी, भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी, हो सकता है उनकी वो सच में जो वो कहते हैं वो होता हो, लेकिन जो असलियत है आज जी धरातल पर वो कुछ और। 5 साल मंत्री रहा हूँ, बहुत अंदर तक सारी चीजें जानता हूं, बस मुंह बंद रखना ही उचित समझता हूं, क्योंकि वो महात्मा गांधी के 3 बंदर की तरह जी, ना कुछ देखा है ना कुछ सुना है। ये बड़ी बात कही आपने, और हरक भाई आप अपनी बेबाकी के लिए हमेशा जाने जाते हैं, इस बार भी आपने बड़ी बेबाकी से बात की, लेकिन आखिर में राहुल गांधी के बारे में क्या कहना है आपका, अब क्या कहना है? मैं देखिए एक चीज सुनो, बहुत कड़वी सच्चाई कह रहा हूं जी, मैंने राहुल गांधी जी को पहले जब मैं विपक्ष नेता तब से सुन रहा हूं, और मैंने राहुल गांधी जी को इस पूरे जो उनकी पैदल यात्रा थी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की, मैंने उनके एक एक संबोधन को एक एक शब्द को सुना है जी, तो बड़े गंभीरता के साथ एक एक शब्द, उनकी बॉडी लैंग्वेज, अब उनमें वो परिपक्वता आई है, वो आज वो व्यक्ति इतना पैदल चला हो, अच्छे अच्छे लोगों के, मैं नहीं समझता कि किसी के अंदर इतने, ये उनकी विल पावर है। आप कहते हैं कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा जो है सफल रही। अरे भाई आखिर में ये बताइए कि देखिए राजनीति संभावनाओं का खेल है, तो कल को हो सकता है अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी एक बार फिर से आपको निमंत्रण दे, तो अभी कोई पक्का मन है या सारे विकल्प खुले हैं राजनीति में? नहीं देखिए, क्योंकि मैं कांग्रेस में हूँ, मेरी एक आदत है, उसके कारण मेरे पे दल बदल का आरोप भी लगता है जी, मुझे वो आरोप झेलना पसंद है, लेकिन
पार्टी में रहकर विश्वासघात करना वो मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं कांग्रेस में हूं। मैं इसलिए ईमानदारी के साथ कांग्रेस के लिए, अगर टिकट नहीं दी हरिद्वार से तब भी कोई बात नहीं, कोई जरूरत थोड़ी कि टिकट, हर चीज टिकट के लिए नहीं होती। वो राहुल गांधी जी ने अब सड़कों पे उतर करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नारे लगाना, संघर्ष करना, पैदल चलना, लोगों के बीच में जाना सिखा दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।